गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। अब जिले के उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रताड़ित करने में लगे हैं। दरअसल जिले के गौरेला तहसील के पदस्थ रहे नायब तहसीलदार रमेश कुमार ने बयान जारी किया है, जिसमें नायब तहसीलदार ने कहा है कि उनको लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक प्रताड़ित नायब तहसीलदार ने कहा कि अगर सदमे में मेरी मृत्यु हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर महोदय की होगी। मेरा नाम के रमेश कुमार है, नायब तहसीलदार हूँ। पहले मैं बाबू था, अब बाबू के पहले टीचर था, और टीचर के पहले मैं आर्मी में था। मैं सर्वप्रथम यहाँ एज ए लिपिक ज्वाइन किया, दंतेवाड़ा से मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है। सर, आपको जिला मुख्यालय में संलग्न करके रखा गया है, क्या प्रकरण बताइए। 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम का अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा था, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में पूरे भारतवर्ष में जो कार्यालय है 2:30 बजे खुलने का निर्देश था। तो मैं अपने नायब तहसीलदार कार्यालय पेंडा रोड में उपस्थित हुआ, और हमारी जो अधीनस्थ बाबू है हुमाउन जूम, वो नहीं आई। तो मैं SDM सर को रिपोर्ट किया कि सर मेरा कार्यालय बंद है, मैं कहाँ बैठूं। तो SDM साहब भी जवाब नहीं दिए, मैं उनके व्हाट्सएप में रिपोर्ट भेज दिया। जब वो अगले दिवस मेरी बाबू आती है तो मैं उसको बोला, मैडम 22 तारीख को छुट्टी नहीं थी, आपने ऑफिस नहीं खोला, यहाँ के कृषक बंधु सब परेशान थे, कोई काम नहीं हो पाया उस दिन। तो मैं बोला, हुमा अंजुम इधर आ। तो वो बोली, आप सर मेरे को गाली देते हैं। मैं अगर अपने अधीनस्थ को बुलाता हूँ बाबू इधर आ, तो ये गाली की ये डिफिनीशन में नहीं आता। तो मैं चिल्लाया कि तुम सन्निष्ठ नहीं हो, मैं अपने कार्यालय में अच्छे बाबू की व्यवस्था के लिए SDM सर को ज्ञापन दूंगा। तो SDM सर को मैं ज्ञापन भी दिया, और वो क्या है, 1 बजे ऑफिस से चली जाती थी खाना खाने, और 4 बजे आती, और 1 से 4 के मध्य में अधिवक्ता लोग आते हैं, प्रकरण की सुनवाई होती है, और ये बाबू अब्सेंट रहती है, और एक बढ़ावन डांड का प्रकरण था। तो जो भी अशिष्ट शब्दावली का प्रयोग उसने किया, तो मैं बोला कि चल क्लाइंट के सामने बोल, तो वो मुकर गई। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, अब मुझे 2-4 साल और नौकरी करना है, मेरे बेटी भी ज्वाइंट कलेक्टर है, और मैं एक सात्विक व्यक्ति का प्राणी हूँ, मैं कार से नहीं चलता, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं गरीब जनता की सेवा के लिए तत्पर हूँ, समर्पित हूँ, भले मेरी जान चली जाए, पर असामाजिक गतिविधियाँ हमारे तहसील में संलग्न है। क्लर्क हुमा अंजुम सन्निष्ठ नहीं है, अब वो ऑफिस टाइम से गायब रहती है, और शाम को 5 बजे घर भाग जाती है। सर, तो आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसको हटाने के लिए, उसमें किस प्रकार कार्रवाई की गई। मैं ज्ञापन दिया उसको हटाने के लिए, तो SDM साहब खुद मेरे विरोध में कलेक्टर मैडम को बोले, अब विधि विरुद्ध मेरे को संलग्न कर दिया गया। आज 20 दिन हो गया, जबकि संलग्नीकरण नायब तहसीलदार का नहीं किया जा सकता। शासन का सर्कुलर है कि कोई भी नायब तहसीलदार को संलग्न न किया जाए, उनसे तहसील ऑफिस का ही कार्य संपादित करवाया जाए। इस प्रकार से मेरा मानस पटल काफी दुखी है, और मैं अपने आप में काफी आत्मग्लानी महसूस करता हूँ। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है सदमे में, तो पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर महोदया माननीय गौरेला पेंडा मरवाही की कलेक्टर मैडम की होगी। मैं मैडम से 2-4 बार निवेदन भी किया, तो मैडम बल्कि ये बोलती है कि आप दूसरे जिला में अपना ट्रांसफर करा लो। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर मेरे को है, लेकिन मैं काम के प्रति समर्पित हूँ। मेरी फैमिली जांजगीर में रहती है, मैं अकेले यहाँ रहता हूँ, स्वयं अपने द्वारा भोजन बनाता हूँ, और आम कृषक का क्लाइंट का सेवा करता हूँ। इस संबंध में राज्य के किसी बड़े उच्च अधिकारी से आपके द्वारा कुछ ज्ञापन दिया गया है। अब चूंकि मैं एक कर्मचारी के नाते एक मतदाता भी हूँ, मैं अपने भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए मैं प्रभु श्री राम जी के उसमें चूंकि सात्विक हूँ, हम पूरी मतदान प्रक्रिया में शामिल हुए, हमारे समस्त परिवार के लोग शामिल हुए, और शासन से हमारी अपेक्षा है कि मुझ पर न्याय जरूर प्रदान करेंगे। और चूंकि पूर्व शासन काल में तो हमें न्याय नहीं मिला, 1 वर्ष में मेरा 4-4 5-5 बार ट्रांसफर किया गया,
अल्टीमेटली मैं यहाँ पदस्थ हूँ, पर आज 20-22 दिन से कार्य से वंचित हूँ। मुझे संलग्न किया गया है, जबकि शासन के परिपत्र में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि नायब तहसीलदार का संलग्नीकरण न किया जाए। तो आप सर क्या